हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा होमवर्क सॉल्यूशन, विच इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चा एक बार वापस मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कोशिश जरूर किया रहेगा और एटलीस्ट के का वैल्यू तो निकाले रहेंगे। चलो नहीं ट्राई किए रहेंगे ना, अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करना चाहिए और के का वैल्यू निकालो। आप लोग स्टार्ट करता हूँ, एक बार क्वेश्चन में डिस्प्ले करा देता हूँ। सपोज एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स विद अ पीडीएफ PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, के 4-x² और -2 से 2 दिया है और इक्वल टू आउट 0 अदरवाइज। मुझे यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, जो कि है, लेकिन एफ ऑफ एक्स में कुछ कमी लग रहा है। क्या कमी लग रहा है कि यार ये के का वैल्यू नहीं पता अपने को। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने सबसे पहले के का वैल्यू निकाला, वैसी सेम टू सेम यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के का वैल्यू निकालोगे और फंक्शन को अपडेट करोगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो क्या करेंगे, पहले तो वही नाम के लिए लिखना पड़ेगा ना, स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे इसलिए नाम के लिए लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ क्या लिखते हैं, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। याद आ रहा बच्चा, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये अपने को पता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये घर का रेंज कहाँ से कहाँ तक लगे, -2 से 2। याद करो मैंने बोला था जो मेन एफ ऑफ एक्स है कहाँ से कहाँ तक लगे, -2 से 2, इसके अंदर ही तुम लोग इंटीग्रेशन करो। ये 2 का आंकड़ा पार नहीं कर सकता और ये -2 का आंकड़ा पार नहीं कर सकता। अगर ये पीडीएफ है तो हम लोग को इतना मालूम है, अगर मैंने इस रेंज में इंटीग्रेशन किया पूरा मतलब समझता है -2 से 2, अगर पूरा इंटीग्रेशन किया तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये हम लोग को चेक करके बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा पीडीएफ है, इसका मतलब डायरेक्टली लिखने का, देयर फॉर वॉट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वॉट क्या आएगा, 1। अरे बच्चा, अगर कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ पर जम किए ना, तो या तो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो उन्होंने पिछला वीडियो देख कर यहाँ पर आया, या तो उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से नॉलेज होगा उसके बाद आएंगे। अगर ये दोनों कैटेगरी के अलावा कोई तीसरा कैटेगरी आ गया, डायरेक्टली उठ के चलो 7th वाला क्वेश्चन सीखते, तो बच्चा प्लीज़ ये इस वीडियो आपके लिए नहीं बनाए। हाँ, मैं स्पेसिफाई इसलिए करता हूँ क्योंकि क्या होता है मालूम है, बच्चे लोग का मेरे साथ बॉन्डिंग नहीं रहता है, कहीं और से सीख के आता है और फिर बोलता है अरे यार कन्फ्यूज़ होने का चांस हो जाता है। ये तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन होने का चांस बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अगर देखना है तो हर एक वीडियो को, तू दूसरा चैनल फॉलो कर रहा है चलेगा, वहाँ पर ही फॉलो कर ले, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बस तू कन्फ्यूज़ मत हो बच्चा, यहाँ पर आ जा, यहाँ पर इंटीग्रेशन चालू करो। बोलो क्या लिखेंगे अब, -2 से 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ये भी है ये भी है। -2 से 2 के बारे में बात करें, -2 से 2 के बारे में एफ ऑफ एक्स ये है और इसका आंकड़ा पार किया तो 0 लिखेंगे। चलो यहाँ पर के 4-x² और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx इक्वल टू वॉट 1। के कोई भी क्षण है, के को हमेशा बाहर रखना है। चलो के लिखो बाहर, इंटीग्रेशन -2 से 2 और क्या 4-x². एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर 4 को बाहर रख सकते हैं, नहीं बच्चा 4 देख इसके साथ माइनस कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4x² होता ना तो मैं 4 को बाहर रखता, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है मालूम है, 4-x² है, मतलब 4 चिपका हुआ नहीं है, 4 माइनस मतलब यहाँ पर इसके साथ प्लस कर रहा है। अब तुम लोग बोलेंगे माइनस का साइन देखे प्लस, अरे ये प्लस होता है, साइन इधर होता है, ये नहीं, x² नेगेटिव है। चलो यहाँ पर हटा दो, उतना कन्फ्यूजन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पर तो इसको डब्बा बनाओ। अब क्या होता है, ये नागिन इसके पास जाता है, ये नागिन इसके पास जाता है, सेम। सॉल्व करने वाले बच्चे लोग डायरेक्टली सॉल्व करके अपर लिमिट लोअर लिमिट डालते हैं, मैंने बोला सॉल्व करने वाले बच्चे, अपनी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। चलो तो क्या करेंगे सर, वही इज इक्वल टू 1 लिखो और यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ये नागिन इसके पास भेजो, -2 से 2 4 dx। नागिन जाएगा तो साथ में सफेरा लेके जाएगा, सफेरा मतलब dx लेके जाएगा, माइनस आगे बोलो इंटीग्रेशन -2 से 2। बोलो ये माइनस तो बाहर, इधर क्या बचा x² dx। सर गलती कर रहे हो, क्या गलती किया बता सर, आपने जब ये नागिन भेजा ना तो ये सबके लिए तो एक डब्बा डालो ऐसा। ओके ग्रेट बच्चा, बहुत सही ऑब्जर्व कर रहा तू, चलेगा चलेगा, मेरी गलती निकाल और तू उससे अगर सीख पा रहा तो सीख ले। अब क्या होएगा, सेम ये के को बोलने का टच नहीं करेंगे तुझे। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिख के आगे एक्स चिपकाने का, तो यहाँ पर बोलो 4 आगे क्या लिखोगे एक्स, अपर लिमिट इधर अपर लिमिट क्या है 2, लोअर लिमिट क्या है -2। ये बच्चा ये होमवर्क सॉल्यूशन है, तुम लोग ये मत बोलो सर स्पीड में बात करो, नहीं होमवर्क था ये। x² का इंटीग्रेशन सिंपल है भाई, x³/3। सर आपने एक चीज़ सिखाया हम लोग को, क्या सीखा बच्चा बता, सर आपने बोला है कि कभी भी इंटीग्रेशन करो तो कोई विषय को बाहर रखो, बहुत सही। सर आपने ये भी सिखाया अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल रहे हो तो कोई विषय को बाहर रखो, इससे काम आसान हो जाता है, गलती होने का चांस कम हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, के लिखो। चलो यहाँ पर ये बाहर है, ओवरऑल सबके लिए बाहर है, 4 इसके लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे इसको बाहर निकालो
और x लिखने का, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट माइनस 2, यहाँ पर माइनस 3 को बाहर निकालो, 3 मतलब नीचे से नहीं आता है तो इसको बोलते हैं 1/3 कॉमन, x क्यूब और यहाँ पर बोलो 2 और माइनस 2, और यहाँ पर भूलना नहीं सर, यहाँ पर इक्वल टू और 1 है, बहुत सही चल रहा है बच्चा तू इस वक्त, आगे बोलना चाहिए। सर इसके बाद क्या करेंगे मालूम है हम लोग, k लिखने का, देख बच्चा है एक बार तू समझ, बाकी सब तो ईजिली हो जाएगा, जितने भी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना सब में ऐसे इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या करेंगे, के को बाहर रखेंगे, ये नागिन इसके पास, ये नागिन इसके पास, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे, बोलो हाँ या ना, इंटीग्रेशन लगाने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फोर को बाहर रखने का, तुम लोग चाहो तो फोर को रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है, बट ऐसा करने से गलती होने का चांस कम हो जाता है, ऐसा जैसा हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलो 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 फोर बोलो, अभी यहाँ पर क्या करेंगे अपर लिमिट, एक्स की जगह पर क्या डालना है, टू डालना, एक्स की जगह पर टू डाला, ठीक है, एक्स की जगह पे टू डाला, एक्स की जगह पे टू डाला, माइनस एक्स की जगह पे माइनस टू डाल रहा हूँ, एक्स की जगह पे माइनस टू डाल रहा हूँ, एक्स की जगह पे माइनस टू डाल रहा हूँ, ब्रैकेट बना दिया ताकि तू है ना कंफ्यूज ना हो, ये अल्टीमेटम क्या होने वाला है, प्लस टू, तुम लोग ये स्टेप स्किप कर सकते हो, मतलब इसको स्किप करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो, मेरी बात सुनना, एक्स की जगह पे मैंने टू डाला, माइनस एक्स की जगह पे क्या डालना है, देखो माइनस तो फिक्स होता है, फिर एक्स की जगह पे क्या डालना है, माइनस टू, चलो यहाँ पर माइनस 1/3, ये 1/3 सिर्फ इसका है, चलो x का क्यूब मतलब पहले 2 डाल, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, लिख दो डायरेक्टली 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस माइनस माइनस, हाँ समझ गया, अब x की जगह पे क्या डालेंगे माइनस 2, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है वो देखते हैं, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 8 होता है, तो यहाँ पर माइनस 8 ऐसा लिखो, समझ गया बच्चा, अरे हाँ है ना, ये ब्रैकेट इधर वाला क्लोज करना चाहिए, इक्वल टू वर्ड 1, गलती नहीं होना चाहिए बच्चा, आराम से कर, तू है ना पटेलीगिरी करके एकदम स्पीड में मत कर, तेरे पास जब एक्सपीरियंस नहीं है ना तो आराम से सॉल्व करना चाहिए, कोई गाई दूसरे को देख के मत चल, यहाँ पर सुनना चाहिए, देखो 4 लिखा, एक बार एक्स की जगह पे 2 डालने का, माइनस फिक्स, फिर एक्स की जगह पे क्या डालने का माइनस 2, फिर माइनस 1/3, एक्स की जगह पे एक बार 2 डाल, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 करने का, 2 3 जा 6 नहीं लिखने का, 8 लिखा, माइनस फिर माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, चलो ठीक है, अब क्या आएगा, के तो भारी है, 4 सिर्फ ये डब्बे के लिए भारी है, चाहे तो एक काम करते हैं अपन एक स्टेप स्किप कर सकते, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, क्या ये चीज़ समझेगा बच्चा आप लोग को, ये स्टेप समझेगा, अरे हाँ या ना तो बोल, अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान 4 लिखा यहाँ पर माइनस 1/3, चलो इसका भी स्टेप स्किप कर सकते हो आप लोग, देखो माइनस माइनस प्लस होता है 8 प्लस 8 16, ओके 16 ये क्लोज इज इक्वल टू 1, सामने सामने लिख देते के, बोलो 4 4 16 माइनस ये क्या गया 16 अपॉन में 3, यहाँ पर क्या आया 1 आ गया, बहुत सही बच्चा, देखो कितना गंदा था लेकिन धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो गया, अब क्या कर सकते हो वही डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वही बात होने वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैंने तुम लोगों को सिखाया, देखो इसके नीचे 3 लाना है, 3 लाने के लिए क्या करोगे इंटू 3 इंटू 3, अरे उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, एक ही बात होता है, समझ पा रहे हो, तुम्हारी मर्जी, डिनोमिनेटर सेम करने का माने जैसे देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 48 48 ऊपर हो जाएगा बरोबर, यहाँ पर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर तो सेम ही आने वाला, चाहे कुछ भी करो, चलो ऐसा ऐसा देख बीच में माइनस है, ऐसा 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 वन मोर टाइम ऐसा 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 मल्टीप्लाई रहता तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता, चलो 16 3 जा 48 माइनस 16 अपॉन व्हाट 1 3 जा 3, अगर कुछ बच्चे बोले चलो सर एलसीएम वाला करने का मन है तो मैं उन बच्चों के लिए भी बात करना, मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, आप लोग लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे, डिनोमिनेटर सेम करना मतलब यहाँ पर 3 लाना है तो इंटू 3 किया था और इंटू 3 किया था तो क्या होगा 48 अपॉन में 3 माइनस 16 अपॉन में 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखने का 48 माइनस 16, देखो कहीं ना कहीं वही आ रहा है घूम फिर के, तो तेरा लुकआउट होता है बच्चा, तू डरने का नहीं, सामने वाला ये कर रहा है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरा अप्रोच यूज़ कर, तेरी मर्जी, सब कुछ तेरे पे गेम है भाई, तू डिनोमिनेटर सेम कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सब कुछ तेरे पे, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आंसर आ गए, यहाँ पर क्या आया के, बोलो 48 में से 16 जाएगा तो 32, 32 अपॉन 3 इक्वल टू व्हाट 1, के का वैल्यू चाहिए 3 इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड, के इज इक्वल टू क्या आएगा 3 उधर 3 1 जा 3 और 32, ये आंसर आया, एक बार मैं भी चेक करता हूँ क्या आप लोग का भी आंसर यही है 3/32, ओके ग्रेट, तो यहाँ पर तो अपना आंसर आ गया है, अब क्या करना रहता है ये 1 मार्क मिल जाएगा बच्चा, ये ऐसे क्वेश्चन है ना 3 मार्क्स के लिए आते हैं, और तुम लोगों को मालूम पड़ गया के मिल गया ना बच्चा, के मिलने के बाद क्या करोगे द फंक्शंस बिकम फंक्शंस, के की जगह पे क्या लिखोगे, के की जगह पे क्या लिखोगे 3/32, और ये पूरा एज इट इज लिखोगे इक्वल टू 0 अदरवाइज, तो अब बच्चा टाइम आ गया तुम लोग एक सम सॉल्व करोगे, पहला प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला प्रोबेबिलिटी क्या है एक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना चाहिए, मुझे लगता है पहला वाला पी ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तुम लोग को मालूम है ना अपने घर की औकात क्या है, -2 से 2
एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब कहां तक जाएगा, जीरो से कहां तक जाएगा टू, तो तुम लोग का काम चालू होता है जीरो से टू पे इंटीग्रेशन मारो और आंसर ला के दो। नहीं आया तो तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है प्लीज, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग करना चाहिए, ठीक है। चलो कॉपी करके इसको लिख लो आप लोग। सो गाइस यहां पर होपिंग कि आप लोग ने ट्राई किया रहेगा। अब यहां पर आ जाओ, ये देखो अपना घर का कहां से कहां तक लगे, माइनस टू से टू, मतलब इसके अंदर फंक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ है। इसके बाहर का फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो। इसके बाहर का फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो। देखो ना बच्चा, माइनस टू से टू के बीच में ये फंक्शन है, अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो मतलब इसके बीच में फंक्शन कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इसके बाहर और इसके बाहर फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो, अदरवाइज लिखा ना। तो यहां पर अभी देखो क्या लिखा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा। अच्छा जीरो से बड़ा, जीरो कहीं पर लिख, अरे कहीं पर भी लिख दो, जरूरी नहीं बीच में लिखना, वैसे तो बीच में आना चाहिए, लेकिन जीरो एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा मतलब यहां से यहां पर, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक, जीरो से टू। मैंने ये भी आप लोग को बता दिया, इफ इनकेस यहां पर इक्वल टू नहीं होगा तभी भी तुम लोग यही लेके चलने का, क्योंकि कंटिन्यूस में इक्वल टू मैटर नहीं करता। अब क्या करना है, नागिन लगाए तो किसका ना, किसके ऊपर नागिन लगाने का, एफ ऑफ एक्स पर, और आगे डी एक्स लगा दो, बराबर है, सिंपल है ये तो। चलो अब सॉल्व करने की टाइम आ गया, सेम इंटीग्रेशन आएगा, तुम लोगों को एक लिखना पड़ेगा तो फंक्शन भी कम, के जगह पे देखो 3/32 लिखना है। चलो यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए, स्पीड बढ़ा लेना चाहिए आप लोग। क्या करेंगे आप, तो स्मार्ट बनो, ये लिखोगे 3/32 को बाहर, एक काम करो पहले 3/32 को बाहर लो, 0 से 2 बोलो 4 - x², बराबर है बच्चा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया रहेगा आप लोग को। फिर क्या आएगा, ये नागिन इसके पास, ये नागिन इसके पास, स्पीड बढ़ना चाहिए 3/32। चलो ये बाहर है, अब इक्वल टू वन मत लिखना, इक्वल टू वन तभी आता जब इसके एंटायर रेंज पर इंटीग्रेशन लगाया जाए, ये एंटायर रेंज पर थोड़ी ना है, माइनस टू से टू पर थोड़ी ना, जीरो से टू है, तो इतना मान में जो भी आंसर आएगा वन से अंदर ही आएगा। अरे ऑब्वियसली तुम लोग निकाल रहे क्या प्रोबेबिलिटी, जीरो से वन के बीच में, वन कब आता है जब पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, तुम लोग थोड़े का इंटीग्रेशन कर रहे इसका मतलब वन से अंदर ही आएगा, समझ भी रहे हो। चलो यहाँ पर अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन जीरो से टू 4dx माइनस इंटीग्रेशन, कभी भी ऐसा तोड़ के करो आप लोग dx। चलो यहाँ पर 3/32 इसका आंसर 4x, तो एक काम करें 4x मतलब x लिखेंगे और अपर लिमिट 2। अरे समझ में आ रही है, देखो मैंने कैसा एक स्टेप स्किप कर दिया, अब एक्सपीरियंस होना चाहिए, लास्ट लेक्चर भी किया था भाई, इतने सारे सम किए थे, लास्ट आधे घंटे के आसपास वीडियो बना था, नहीं 27 मिनट का बना, 27 मिनट का बना था आसपास। माइनस इसका बताओ, x³ अपॉन में और 3, तो अपॉन में 3 को मैं 1/3 पहले बाहर ले लेता हूँ, ताकि ना मेरा स्टेप्स थोड़ा कम लगे, ये चीज़ समझ गया। चलो आप तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और हर एक बच्चा मेरी मदद करेगा। 4 एक्स की जगह पे क्या लिखेगा, एक्स की जगह पे क्या लिखेगा, 2 लिखा माइनस, एक्स की जगह पे क्या लिखेगा, 0, अरे ये भी सही है, माइनस 1/3, एक्स की जगह पे क्या लिखेगा, 2 का क्यूब, देखना एक्स की जगह पे 2 लिखेगा, 2 का क्यूब करना, 2 × 2 × 2 8 माइनस एक्स की जगह पे 0, ये भी सही है सर, स्पीड तो बढ़ गया अपना। हाँ बच्चा स्पीड बढ़ना चाहिए तेरा, स्पीड बढ़ना चाहिए ये याद रख, यहाँ पर बोलना चाहिए 3/32 सबके लिए बाहर है। बोलो ये देखो 2 - 0 2 होता है, 4 × 2 = 8 माइनस 8 - 0 8 × 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना भदिर जैसा, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कब आता है, जब बीच में प्लस माइनस होगा तभी, ठीक है। यहाँ पर हो गया, आगे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ईजी रहेगा मेरे हिसाब से, तो 3/32 यहाँ पर बोलो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, चलो 8, हाँ वही एलसीएम सेम करो या फिर वो एक ही आंसर आने वाला है, 8 × 3 = 24 - 8/3 ओके 3/32। अच्छा ये डब्बे के बीच में प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब, ओके 24 में से ये 16 आएगा और ये क्या आएगा 3 गेट कैंसल, 16 × 1 = 16 आंसर क्या है 1/2, ये फाइनल आंसर है, कितना ईजी। देखो तुम लोग का आंसर आना चाहिए बच्चा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर देखो पी ऑफ, बच्चा एक चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए, एक चीज़ सुनो इसका मतलब, एक मिनट मेरी बात सुनना चाहिए बच्चा प्लीज़। इस बार इम्प्रूवमेंट 2023 में जुलाई के पेपर, जुलाई में एक पेपर हुआ था जहाँ पर क्वेश्चन एक आया था, मैं बताता हूँ किस तरह इसी क्वेश्चन को उसने अलग तरीके से पूछा था। पहले देख एक मिनट, पहले अपने घर का औकात बता, अपने घर का औकात सर -2 से 2 है, अरे बरोबर है ना, और ये क्या बोल रहा है -1 से 1, -1 इधर कहीं मरेगा और 1 इधर आएगा, मतलब यस कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 और एफ ऑफ एक्स, बरोबर है ना बच्चा, ये तो अपने को मालूम पड़ गया। बच्चा याद रखना इसको है ना, एक बार बच्चे टीचर लोग ने कैसा क्वेश्चन बनाया था ये बताता हूँ,
उन्होंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से देने की कोशिश किया था। इसको ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है, ध्यान से सुनना चाहिए प्लीज, यहाँ पर प्लीज मैंने बोला प्लीज सुनो, बाद में ऐसा ना हो जाए कि सर आपने कुछ सिखाया नहीं। नहीं, मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, समझ रहे, बहुत कुछ सिखाता भी हूँ मेरे ऑफलाइन क्लास में, यहाँ पर जितना मैं ऑफलाइन क्लास में सिखा रहा हूँ ना उससे कम नहीं सिखा रहा हूँ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कम नहीं, मुझे लगता है उससे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर सुनो आप लोगों को क्या है इसका मतलब समझो, इसको है ना कल के दिन सामने वाला अलग तरीके से पूछेगा, ऐसा लिखते देखो पी ऑफ, ये देखो कितना वाहियात तरीके से पूछा, ये समझ पा रहे हो ये चीज़ क्या है, ये इनइक्वालिटी का फंडा होता है। तुम लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ लिखा रहता है ए, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग को रेंज में लिखना है, मॉड को हटाना है, मेरी बात सुन बच्चा, अगर मॉड को हटाना है तो इसको लिखना पड़ता है एक्स का वैल्यू, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, ये माइनस ए से ए के बीच में है। ये वाला बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते हैं, ये वाला चीज़ बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते हैं। ये अपने को कहाँ पर था मैं बताता हूँ, अपने को क्लास 11th में ना फंक्शंस करके चैप्टर था, वहाँ पर था ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी, लेकिन ठीक है यहाँ पर ये चीज़ याद रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैंने कल के दिन तुम लोग को बोला ऐसा लिखा है, अच्छा इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू चिपका देना, ये चीज़ समझा, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू चिपका देना, जैसे इसका मतलब क्या होता है एक्स, बोलो क्या लिखे, माइनस वन से वन, अरे समझ पा रहे हो, ये इसका मीनिंग होता है, ये इसका मीनिंग होता है। और समझना है तो चलो एक काम करो और एक समझ लेते, मॉड ऑफ एक्स ऐसा लिखा है फाइव, चलो मैंने इक्वल टू दे दिया, तो डरना नहीं बच्चा, मेरी जान तू डरना नहीं, मेरी जान तू डरना नहीं, क्या लिखेगा एक्स लिखने का, यहाँ पर ऐसा ऐसा और ऐसा, मतलब ये क्या लिखेगा माइनस फाइव और ये क्या लिखेगा फाइव, बोल यहाँ तक क्लियर रहेगा, ये स्मार्ट बनने की कोशिश करो। तो कल के दिन ऐसा लिख दिया तो इसको छेड़ो, इसको लिखने का कैसे, सर अभी आपने सिखाया, क्या सिखाया बच्चा बोल, मॉड ऑफ एक्स हटाने का, और इधर क्या लिखने का माइनस वन से वन, अरे समझ पा रहे हो, ये देखो कैसा क्वेश्चन है, ये चीज़ समझो, बहुत कम बच्चे समझ पाते, मुझे लगता है उस बहुत कम बच्चे में तुम लोग शामिल होना चाहिए क्योंकि तुम लोग फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुके हो। चलो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर ये डिस्कस कर दिया कि क्या होने वाला है, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी भी बच्चे को दिक्कत है क्या, किसी भी बच्चे को दिक्कत है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ अपने आप को ट्रेन करना सीखो, अपने आप को ट्रेन करना सीखो, तुम लोग अपने आप को ट्रेन करना सीखो। चलो यहाँ पर चलो इक्वल टू वन, अब तो आ जाएगा वह क्या आएगा, माइनस वन से वन एफ ऑफ एक्स, अच्छा हुआ सर आपने ये बता दिया, अब भी जस्ट पेपर हुआ था यार उसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया था, बच्चे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, समझ पा रहे हो ये चीज़, उन लोगों को लग रहा है कि एक्स का वैल्यू वन से कम मतलब वन से माइनस टू तक चले गए, नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है यहाँ पर। चलो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ए अभी अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बोल, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यही है ना, अच्छा 3/32 लिखेगा फिर बाहर लेगा उससे चाहे भी लिख लेते ना 3/32, बच्चा बोलना सीख, 4 - x² और यहाँ पर क्या डी एक्स बरोबर है भाई, अरे बोल मेरी जान, हाँ या ना तो बोल, ओके ग्रेट। चलो यहाँ पर आगे बोलो 3/32 सर सेम ये नागिन इसके बाद जाएगा, ये नागिन इसके बाद जाएगा, अरे सर यही तो है, देखना ये देखना ऐसा वाला सीम, क्या थक रहे सर, हम लोग समझ गए सर, आपकी भावना समझ गई, आप सिखाओ, अभी देखो हम लोग आपका नाम नहीं गिराएंगे, पक्का बच्चा मेरा नाम नहीं डुबाना, तुम लोग कहीं पर भी जाना बोलना फ्रेंड्स एकेडमी है अपने साथ। यहाँ पर 4 का इंटीग्रेशन 4x, तो 4x लिखने से अच्छा 4x लिखता हो और अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 - 1 माइनस, इसका क्या x³/3 मतलब / 3, अरे हाँ है ना यहाँ पर। चलो आगे बात करना चाहिए, अभी आगे बात कर सकते अपन, क्या आएगा यहाँ पर देखते हैं। चलो यहाँ पर बोलना चाहिए 3/32 बोलो यहाँ पर क्या आएगा 4, अपर लिमिट क्या आएगा एक्स की जगह पे 1 डालने का, बच्चे लोग बोलते 0 हो गया, अरे मेरी जान तू सुन सोचता ही नहीं और तू डायरेक्टली आंसर बोल रहा है, अपर लिमिट एक्स की जगह पे 1 लिखा, माइनस एक्स की जगह पे माइनस वन लिखेगा तो ये देख ये 0 थोड़ी ना होने वाला है, ये तुम लोगों को किसने बोल दिया कि ये 0 होएगा, नहीं 0 नहीं होएगा, अरे देख मेरी जान ये माइनस प्लस हो जा रहा है, अरे समझ पा रहे हो, ये गलती होता है अपने से, -1/3 ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ओके यहाँ पर एक्स की जगह पे 1 डालो, 1 का क्यूब क्या था 1, माइनस फिर -1 का क्यूब -1 × -1 × -1 होता है, अरे समझाइए नहीं बच्चा, अरे हाँ ये क्लोज करो 3/32 अब थोड़ा स्मार्ट कर बनते, ये 4 है ना सबके लिए नहीं, 4 सिर्फ इसके लिए, 1 -1 प्लस हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पर देखो ये भी क्या होगा 2 हो गया, ओके 3/32 4² = 8 -2/3 ये सेम ऐसा लग रहा है सेम क्वेश्चन आ गया वापस, हाँ रे सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये सेम ही तो नहीं है ना, नहीं इधर 8 है रे 3/32 अच्छा अप्रोच तो सेम ही रहेगा वही, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 फिर से 24 ना हाँ 24 -2/3 चलो बोलना चाहिए 3/32 यहाँ पर क्या 22 हो जाएगा ना 3 3 गेट कैंसल 22/32
मुझे लगता है दोनों दो से कटेगा, दो से कटेगा तो 11/16 आएगा, ये आंसर रहेगा। तो फाइनल आंसर लिखिए भाई। एक और क्वेश्चन है इसमें, इसके जैसा और एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं बताऊंगा टाइम आने पर, बताऊंगा अब भी बताऊंगा टाइम आने पर, क्या अब भी बताने का। 11/16 मतलब देखो ये जो मिला ना ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी में मैंने तुम लोग को हर बार बोला नीचे वाला ग्रेट, बहुत सही। तो याद तो आप लोग को मालूम पड़ गया है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर अगर लिखने का मन हुआ तो यहाँ पर लिखने का, के तो पूछा नहीं, छोड़ो। ये लिखने के बाद इज इक्वल टू, और क्या लिखोगे 1/2, फिर ये लिखने के बाद डायरेक्टली क्या लिखोगे 11/16। और एक क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करेंगे अपन मिलके, होपिंग कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ रहा है। एक और, अरे 3 से 4 मार्क्स आने का संभावना है अगर ये पूरा आया तो। ये पूरा नहीं आता, 1-2 ही क्वेश्चन आता, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो तीसरा वाला आएगा। ठीक है, कॉपी मारो। और वैसे तो मैंने बोल दिया नोट्स तुम लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, तुम लोगों को सिर्फ सीखने की कोशिश करो, बाद में घर पर प्रैक्टिस के लिए नोट्स ओपन करना और कॉपी मार लेना। सो गाइस यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड है। क्या मॉडिफाइड है देखो, यहाँ पर तुम लोग के टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, एक्स का वैल्यू लेस देन माइनस 0.5 और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5। वन मोर टाइम, एक्स का वैल्यू लेस देन माइनस 0.5 और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5। और के बारे में तो अपने को बहुत अच्छे से आइडिया है, और का मतलब क्या होता है हिंदी में बात करेंगे तो, या ये या तो ये, और मैथ्स में जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं प्लस, ये याद रखना आप लोग को। मतलब इसी क्वेश्चन में दो बार इंटीग्रेशन करना है, दो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक साथ। यहाँ पर जरा देखते हैं, मैं देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने का तरीका देखो कैसे, पी लिखने का और यहाँ पर लिखने का, ये वाला पहले लिखने का, एक्स का वैल्यू ग्रेट लेस देन माइनस 0.5 बराबर है, या पूछा है और मतलब प्लस। अच्छा इसका मतलब बोलो, पी ऑफ वॉट, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5। देख बच्चे तेरे को डाउट रहेगा ना तो टेंशन मत ले, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना चाहिए तो। और का मतलब होता है प्लस, इसी में दो क्वेश्चन पूछा है, एक ये वाला और एक ये वाला। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, एक काम करेंगे सबसे पहले अपने घर में झांक के देखते हैं। अपने घर में झांक के देखना मतलब क्या हो रहा है, अपना घर बताओ, अपना घर में क्या है -2 से 2। अपनी बुरी आदत है ना हर बार दूसरे के घर में झांकना, उससे अच्छा पहले अपने घर में झांकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब देखो, ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू -0.5 से छोटा, -0.5 किधर आने वाला है, -0.5 यहीं कहीं पर आने वाला है, -0.5 यहीं कहीं पर आएगा ना। एक्स का वैल्यू छोटा, देखो दो दांत एक्स पर नहीं है, एक्स के पास पिछवाड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, छोटा है। जिसके पास दो दांत रहता है वो बड़ा है, तो एक्स के पास दो दांत है क्या, नहीं, मतलब एक्स छोटा है। किससे छोटा है, -0.5 से, -0.5 से छोटा मतलब यहाँ तक। मतलब मैं अगर बात करूँ आप लोगों को, मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो इंटीग्रेशन बोलना चाहिए बच्चा, बोलो क्या करेगा, -2 से -2। ए प्लीज ऐसा जा रहा है, इट डजंट मीन कि -0.5 से, हमेशा नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब बड़ा वैल्यू, -2 बड़ा, ये -0.5 बड़ा, -0.5 बड़ा होता है, तो -0.5। और यहाँ पर क्या आएगा, f(x) dx। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, प्लस। चलो यहाँ पर देखते, मतलब दो इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन ठीक है। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 मतलब 0.5 से बड़ा, ए माइनस नहीं, मतलब 0.5 से बड़ा, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलो अपना घर में ही जाएगा ना, यहाँ पर बोलो 0.5 से कहाँ तक जाएगा, 2 f(x) dx। मेरे हिसाब से बच्चे लोग समझ गए कि यहाँ पर दो बार इंटीग्रेशन करना है। अगर एक साथ करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते, पहले पार्ट में इसको कर लेते और दूसरे पार्ट में इसको कर लेते, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। रेडी एवरीवन, प्लीज़ हाँ या ना बोलना चाहिए बच्चा, प्लीज़। ओके एक बार सुन लेना चाहिए वापस, एक्स का वैल्यू -0.5 से छोटा, माइनस देखना, ये -2 है, ये 2 है, -0.5 से छोटा मतलब कहाँ तक जाऊँगा मैं, -2 मतलब -2 से -0.5। और ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 मतलब 0.5 से कहाँ तक जाऊँगा, 2 तक। बोल हाँ या ना, यस और नो बोलने, ग्रेट। अच्छा अब मुझे मालूम है इसके बाद का काम तो तुम लोग कर सकते हो आराम से, नहीं आराम से नहीं, जिस बच्चे ने कोशिश किया रहेगा उसको मालूम पड़ा सर ये आराम वाली चीज़ नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा कोई तो एडवर्टाइज है आराम का, आराम वाली चीज़ है ये तो, अंडरवियर का, अरे यहाँ पर चलो आ गया, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चलो छोड़ो यार, होता रहेगा, यहाँ पर क्या करना है भूल गया। चलो ठीक है, एक बात बता देता हूँ, जिस तरह मॉड वाला बताया ना वैसे ही कल के दिन है ना ऐसा क्वेश्चन आता है। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, ये बात जो बोला वो भी हाँ तेरे को हंसाने के लिए। अच्छा चलो यहाँ पर देख, तूने ये समझा, तुझे ये मालूम है कि ऐसा रहेगा तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू बोलना चाहिए ऐसा, ये माइनस ए और ये तो अब भी सीखा जस्ट इसके पहले वाले सम में, अरे हाँ ना इसके पहले वाले सम में यही सीखा, तू सुनना चाहिए मेरी बात।
अगर तेरे लाइफ में अगर ऐसा क्वेश्चन हो गया, देखो यहाँ पर सर ये कहाँ कहाँ से उठा के ला रहा हूँ मैं, तेरे को बता रहा हूँ सामने वाला क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, तेरे को डरना नहीं है, तेरे को फ्रेंड्स एकेडमी का साथ देना, बस मेरी पे छोड़ ये समझेगा। छोटा रहेगा तो क्या आएगा, देखो छोटा रहेगा तो बिटवीन, अब देखो मॉड ऑफ एक्स इज और ग्रेटर देन ए, तो इसका आंसर क्या होता है, देखो मॉड हटाने का ना तो लिखने का एक्स का वैल्यू, यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू छोटा है किससे, माइनस से, और एक्स का वैल्यू बड़ा है किससे, ए से। ये देखो ये देखो ये बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते, मैंने बोला ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तेरे को लग रहा है बहुत हल्के में ले रहा है इतना, तू नहीं कल के दिन इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता था, पी ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऐसा, तो प्लीज ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है। देखो ये मॉड ऑफ एक्स इज और ग्रेटर देन 0.5 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स लेस देन माइनस 0.5 और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों बताएं बच्चा, मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड करके मैं नहीं बता रहा हूं, ये और टीचर नहीं बताते जिसकी वजह से तेरे को ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मान ले यही सच्ची बात है। यहां पर एक काम कर यहां पर बता, तू लिख ले ये सब कहीं ना कहीं बाजू में लिख ले, अगर मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 ऐसा लिख दिया, ग्रेटर बोला ग्रेटर तो क्या करेगा, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर देख मैं दिखूं या ना दिखूं, तू कंसेप्ट दिख रहा है क्या, एक्स का वैल्यू लेस देन माइनस 5 और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 5, बोलो याद रहेगा सबको, अरे बोलो हाँ या ना, ये अपन ने कहाँ कहाँ पर किया, अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद होगा वहाँ पर भी किया अपन ने, तो याद रखने वाली बात ये है, यह हर चीज़ तुम लोगों को याद होना चाहिए। लेस देन वाला अगर लेस देन है, कम है, देखो क्या बोला, मॉड ऑफ एक्स इज वॉट लेस देन ए, तो बोलेगा बीच में आएगा, और मॉड ऑफ एक्स इज वॉट ग्रेटर देन ए, तो बोलेगा बीच वाला छोड़, उसका पार वाला और इसका पार वाला, ऐसा कुछ है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं बच्चा, हाँ या ना तो बोल, यस और नो तो बोल। तो ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर लो, कल के दिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो तुम लोग को यही करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इधर लेकर आओ फिर इधर से ऐसा सोचो, समझ पा रहे हो, फिर इंटीग्रेशन करो। सर इतना सारा स्ट्रगल नहीं है बच्चा, तूने कभी ध्यान नहीं दिया इसलिए तेरे को स्ट्रगल लग रहा है, जिसको आता है इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट उसके लिए आसान है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो बच्चा, अरे हाँ या ना, चल बता, दो क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर दें और इसका आंसर दें, चल इसका आंसर दे, बोल बता, ये लेस देन है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, यही अगर ऐसा याद कर लोगे तो बस हो जाएगा, और इसका मतलब क्या आएगा, एक्स का वैल्यू देखो ये क्या है, बिटवीन माइनस 3 से 3, अगर इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लिखने का, चलो इसका बताओ, एक्स का वैल्यू छोटा रहेगा किससे, माइनस 3, और एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, 3 से। प्लीज इसको लिख के रखो भाई, मैं इसको लिख के रखते और लगे याद इसको भी सॉल्व करेंगे अपन मिलके, प्लीज ये सब सिस्टमेटिक तरीके से लिख के रखो, काम आने वाला है, प्लीज। अब चालू करते हैं इसको सॉल्व करना, यहाँ पर सुनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वाहियत लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 मतलब इसको नाम दे देते हैं अभी एक टेम्प्रेरी बेसिस पे, इक्वेशन 1 चलेगा बच्चा यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते सब लोग मिलके, हेल्प करना चाहिए, कंसिडर क्या कंसिडर कर रहे बोलो बच्चा, बोलना चाहिए इंटीग्रेशन माइनस 2 से वॉट माइनस 0.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, चलो इसका आंसर बोलने के लिए रेडी रहो, माइनस 2 से माइनस 0.5 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यही लिखना है, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सेम ही लग रहा है, सेम अप्रोच है, सेम बच्चा 3/32 को बाहर, ठीक है 3/32 को बाहर, ओके और इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये इसके बाद जाएगा, ये तो तुम लोग समझ करेंगे, माइनस 2 से माइनस 0.5 सेम अप्रोच करना है, डी एक्स माइनस माइनस 2 से माइनस 0.5 और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। देख बच्चा एक चीज़ मैं तेरे को बता देता हूँ, जब अगर तुम लोग 0.5 से सॉल्व करोगे ना ये बहुत ही ज़्यादा वाहियत लगे, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा, तो एक काम करते हैं 0.5 को पॉइंट हटा देते, मुझे लगता है बचपन में अपने को टीचर लोगों ने सिखाया 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो ये 1 है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या 10 मतलब 1/2, यस 1/2 मतलब आधा और आधा मतलब 0.5, तो मेरा बोलने का मतलब अपने को फ्रैक्शन पुट अप करने के लिए आसान लगता है एज कम्पेयर टू डेसिमल पॉइंट बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा इसे टाइप में, तो एक काम करते हैं सुनो यहाँ पर 3/32 देखो 4 का इंटीग्रेशन क्या था 4x, तो 4 को बाहर रखोगे 4 और x को क्या लिखोगे x, अपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने बात की, अपर लिमिट 0.5 को क्या लिखेंगे अपन -1/2 और -2, किसी को दिक्कत है, प्लीज़ समझो मेरी बात को, ये कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म होने वाला था उससे थोड़ा बच गया अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा माइनस, इसका बताओ x³ अपॉन में 3 मतलब 1/3, ये अपर लिमिट
क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस वन अपॉइंट टू और माइनस टू। अरे मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ बच्चा, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ यार, 0.7 आता तो देखो कितना गंदा लगता है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई 10 से, तो 7 अपॉन 10, ये देखो 7 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ये सब करना आसान लगता है एज कम्पेयर टू 0.7। तो ये यही चीज है जो मैं सिखाना चाहता था आप लोग को। तो याद तो होने के बाद अब चलो सॉल्व करने के लिए रेडी रहो, सॉल्व करने के लिए रेडी रहो। चलो यहाँ पर, चलो बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, चलो स्टार्ट करेंगे। 3 बाय 32 फोर बार अपर लिमिट, x की जगह पे माइनस वन बाई टू डालना है। अब कुछ चीज़ें इस माइंड में करना पड़ेगा, x की जगह पे माइनस वन बाई टू, हाँ x की जगह पे माइनस वन बाई टू माइनस लोअर लिमिट वाला याद है। अब x की जगह पे माइनस टू डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टू और इसका माइनस, तो ये क्या आएगा, प्लस टू। एम आई क्लियर बच्चा? अरे बोल हाँ यार बच्चा, प्लीज़ बोलना सीख लो यार। ओके माइनस वन बाई थ्री क्योंकि वाइयर लगेगा इसलिए। चलो x की जगह पे माइनस वन बाई टू का क्यूब क्या आएगा, माइनस वन बाई टू माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/8, मतलब आंसर क्या रहा है, -1/8। ये माइनस x की जगह पे क्या डालना आप, माइनस टू डालेंगे। ये समझ पा रहे हो, प्लीज़ थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद। ये लेक्चर नंबर 16 है अपना, समझ पा रहे हो, इतना भी तकलीफ वाली चीज़ नहीं है, इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है। x की जगह -2 डालो, -2 इंटू माइनस -8, यहाँ पर -8 लिखने से अच्छा माइनस माइनस प्लस करके ऐसा लिख दो, चलेगा बच्चा? अरे आया ना, देखो ना कुछ चीज़ें लग रहा है, अगर 0.5 डालते हैं ना बहुत ही ज़्यादा डेसिमल पॉइंट दिखता है, और डेसिमल पॉइंट होता है ना तो दिमाग कम हो जाता है। यहाँ पर 3/32, चलो यहाँ पर 3/32 के बाद क्या करोगे अभी आप लोग बोलोगे। यहाँ पर 4, इसको सॉल्व कर लो जरा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, चलो -1 प्लस 4/2 -1/3 सेम, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, -1 प्लस 8 इज 64/8। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। बोलो 3/32 यहाँ पर क्या आएगा, 4 माइनस वन, इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 ओके -1/3 क्या आएगा, 63/8। चलो आगे बात कर लेते, देखो थोड़ा बहुत सुंदर दिखने लग गया ये, 1 2 जा सुंदर पिछाई, अरे 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो 2 3 जा 6 माइनस 3 1 जा, अच्छा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है, अच्छा मल्टीप्लाई होता है ना सामने सामने, अपन ऊपर नीचे कट कूट कर सकते हैं। 3 1 जा 2 1 तो क्या है, 21/8। चलो धीरे धीरे अपन अपनी मंजिल तक पहुंच गए। 3/32 पहले इसको मल्टीप्लाई, देखो बीच में माइनस है और फ्रैक्शन है, 6 8 जा 48 -21/8। चलो यहाँ पर 3/32 यहाँ पर 48 माइनस ये कितना का 7 और ये 2/8 सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, कुछ कटकुट हो रहा क्या, ऊपर ये 2 से कटेगा, ऊपर 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कुछ नहीं, तो 3 × 27 = 81 32 × 8 करेंगे तो 64 128 256 256। ये आया कौन सा आंसर आया, लेकिन किसका आंसर आया इसका आंसर आया बच्चा। एक काम करना चाहिए, सब लोग मिलके हर एक बच्चा ये वाला सॉल्व करेगा सेम कैटेगरी। अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्या करेंगे अपन देखने का, और तुम लोग अभी सॉल्व करने वाले हो। देखो यहाँ पर कंसीडर व्हाट, क्या लिखने वाला हो ध्यान से सुनना चाहिए, कंसीडर क्या आएगा ये वाला 0.5 से, अच्छा आंसर क्या है 81/256 और यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 0.5 से व्हाट क्या आएगा 2, सेम ही है यहाँ पर क्या आएगा बोलो 0.5 से व्हाट यहाँ पर क्या आएगा 2, चेंजेस मैं तुम्हारे सामने करूँगा, कुछ छूट गया रहेगा तो बताना, यहाँ पर क्या आएगा 2 ओके ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आएगा, अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है लोअर लिमिट 0.5 मतलब 1/2 लिखेंगे। चलो यहाँ पर बस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1/2, बाकी सब तो सेम ही चल रहा है 3/32 बाहर, यहाँ पर क्या आएगा एक्स की जगह पे, चलो यहाँ पर एक्स की जगह पे देखो 4 बार एक्स की जगह पे 2 डालो, माइनस एक्स की जगह पे 1/2 डालो, अरे समझ पा रहे हो, यानी -1/3 एक्स की जगह पे 2 डालो, 2 का क्यूब कितना आएगा, देखो ऐसे ही करना रहता है, स्मार्ट बनो, माइनस x की जगह पे 1/2 का क्यूब 1/2 × 1/2 × 1/2 1/8 ओके यहाँ पर सेम यहाँ पर क्या आएगा 4 - 1 ओके -1/3 यहाँ पर क्या आएगा 64 - 1 ओके तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो शुरुआत देखो क्या हो रहा है, ये तो सेम ही आ रहा है 3/2 ये तो सेम, यहाँ पर 64 में से बन जाएगा, हाँ सेम ये भी कितना आ रहा है 81/256 समझ गए सर, आप कितना आसानी से कर दिया क्योंकि एक्सपीरियंस है बच्चा,
और एक्सपीरियंस से पहले तुम लोग को अपना भी स्ट्रगल दिखा देता हूँ। ये भी एक छोटा सा डायरी होता है, हमारे पास डाइजेस्ट वगैरह नहीं होता, तो खुद से इधर सॉल्व करते शायद दिखता रहेगा आप लोग को, थोड़ा बहुत नोटिस कर सकते हो आप लोग। ये सब हम लोग पहले ऑलरेडी इस बुक में करते हैं, ये रफ बुक होता है, रफ बुक जैसा होता है ना वैसा हम लोग डायरी बना लेते हैं। टीचर लोग वो भी खुद सॉल्व करते हैं, टीचर लोग का भी स्ट्रगल अलग होता है। तुम लोग को लगता है आया पढ़ाया पैसा माल लेके चले गया, नहीं नहीं भाई, बहुत दिन रात एक करना पड़ता है, रात को बैठ के पढ़ना पड़ता है। हर टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला हर टीचर की बात। तो ये होने के बाद अब क्या बोलोगे आप लोग, इक्वेशन वन भी कम, चलो बताओ। ये होने के बाद ये समझ गया ना ये क्या किया मैंने यहाँ पर, अब लिखने का फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इक्वेशन वन भी कम, इक्वेशन वन भी कम, चलो बताने का यहाँ पर। ये होने के बाद इक्वेशन वन भी कम क्या हो जाएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी यही है ना, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन माइनस 0.5 से और यहाँ पर क्या एक्स ग्रेटर देन 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, इसका आंसर आप ये आएगा, ये आएगा, इसका आंसर अपन ने निकाला क्या है, 81/256 प्लस 81/256। इतना बाकी बात है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखने का, अरे बराबर है कि नहीं, 256, 81 प्लस 81, 60 और 162 होता ना, हाँ 162, और तुम लोग इसको कट कुट करो, कट कुट करो, दोनों 2 के टेबल से कटेंगे, 2 के टेबल से कट करोगे तो 81/128 ये आंसर है, दिख रहा है बच्चा, हाँ। तो यही फाइनल आंसर है, अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे डिवाइड करना जानते हो तो डिवाइड करोगे तो 0.63 समथिंग मिलेगा, लेकिन अपन इधर ही छोड़ सकते हैं, ये चीज़ क्लियर रहेगा। देखो नीचे वाला पढ़ा, नीचे वाला पढ़ा मतलब आंसर सही है, बोलो ये क्लियर हो गया। तो अपना ये चीज़ समझना चाहिए मैंने क्या सिखाया, होमवर्क सॉल्यूशन था, मैंने बोला था मैंने सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया था कि आप लोग एटलीस्ट के का वैल्यू निकालो 3/32, बाकी सब तुम लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने मिला रहेगा। एक्सरसाइज में जो दिया उससे ज़्यादा सिखाने की कोशिश किया मैंने, तो प्लीज़ मेहनत को सलाम करके लाइक करना चाहिए, ठीक है। अभी और भी कुछ चीज़ें सिखाना था लेकिन वीडियो का लेंथ बढ़ाना बन जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे मज़े से। अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।